ASN24 पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरताल के चौक में BSNL कंपनी के तार बिछाने के लिए गड्ढे खुदवाकर छोड़ दिया गया है, जो कि 3 माह पूर्व से खोदा गया है और अभी तक उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब ग्राम खैरताल के लोगों ने ठेकेदारों से पूछा तो उसने कहा कि अभी 6 महीने तक अभी काम नहीं होगा। यहाँ गड्ढा चौक में होने के कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होते रहती है। यहाँ पर 2-3 दिनों से लगातार दुर्घटना हो चुका है। लोगों से पूछने पर बताया गया कि कल ही शाम को यहाँ पर एक दुर्घटना हुआ था, जिसमें एक आदमी की हाथ टूट गई थी और यहाँ पर भी बहुत सारी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से यह सारी दुर्घटनाएं हो रही है। इसमें ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए और जितना काम करा सके उतना ही गड्ढा खोदना चाहिए, जरूरत के अनुसार होना चाहिए और अधिक ज़्यादा गड्ढा खोद करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस गड्ढे के वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है और दुर्घटना भी हो सकती है, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। यदि इस BSNL कंपनी के द्वारा खोदे गए गड्ढों में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? BSNL कंपनी या शासन या प्रशासन या सक्षम अधिकारियों को सूचना चाहिए। जबकि इस बारे में खपराडीह खैरताल के सरपंच पति से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि BSNL टावर वालों ने किसी प्रकार की सूचना हमें नहीं दी गई है और न ही हमने गड्ढा खोदने के लिए आदेश दिया था। वह अपने ही मर्जी से गड्ढा खोदते हुए चले जा रहे हहैं, जिसमें उन्हें जानकारी मिली है कि 3-4 हादसे हो चुके हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं तो किसी के पैर, और किसी की जान जाने की भी संभावना बनी हुई है। और परिस्थितियों को देखकर लग रहा है कि जब तक किसी की मौत नहीं हो जाती तब तक शायद सक्षम अधिकारियों की आंखें बंद रहेंगे। आदेश नहीं दे है, हमारे पंचायत से मिले हैं, यहाँ मिले हैं सूचना कि 2-3 हादसा हो गया, गड्ढा तो खुना दे, बोला गलत भी होगा, मतलब कुछ बोले भी नहीं है अभी तक, बताया भी नहीं है कि हमारा सूचना भी दे कि नहीं। तो जनता का कहना है कि ये गड्ढा लग फाट दिया जाना चाहिए ताकि और दोबारा फिर ना हो, आप फाटना चाहिए, फाटना चाहिए ना, मेरा मेन चौक है, हादसा हो लाइट मोर दुकान के सामने 3 महीना हो गए गड्ढा खन के रखे है, BSNL टावर प्रशासन बोला थे पूछने हमका, और यहाँ इन्हें रोज 1-2 जन रात का एक्सीडेंट हुआ थे, कल एक जन के हाथ टूट गए और 10 दिन पहले एक जन के पैर टूटे है, गाड़ी मत फंसा के करा मोड़ के जगह है खतरा के, और आप साहब लोग पूछे हैं कि कब बंद हो जाएगी कह के, तो 6 महीना अभी और लगी भैया बोला थे, तो एक लिए कुछ करना चाहिए, बाकी नहीं कर पाते, बहुत हमन परेशान हैं, धंधा वाला केला फल वाला भी परेशान है, एक ग्राहक नहीं रुका थे, हमन भी परेशान हैं, 3 महीना हो गए धंधा पानी, बाल बच्चे हमन भूख मरा थे, निकल लिए खुद सरकार हमन के सहायता कराए, बस यही कहना चाहता था। यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है गाय गिर गया था, वहाँ 2 गाय गिर गया था, यहाँ 1 गाय गिर गया था, तो हम लोग देखे तो सब आए दौड़ते, यहाँ पूरी पब्लिक जुड़ गई, फिर हम लोग 8-10 बंदे जो भी है खींच के वो दोनों गाय को निकाले, और ये वाला बड़ा वाला गाय था तो इसलिए इसको नहीं निकाल पाए, फिर जो है JCP बुलाए गए, फिर उससे फिर निकलवाए अपने खुद के गांव में जो JCP है उससे बुलवा के। सर पता चला कि इस गड्ढे को, सर इस गड्ढे को जो है ये मोबाइल वाला जो है चल रहा है, ऐसा ही मेरे को पता चला है, और बाकी तो हमें पता नहीं, बोल रहा है प्रशासन का काम है ऐसा बोल दिया। तो सर ये जो छोटे छोटे बच्चे, आज तो गाय गिर गया, कल के डेट में अगर कोई छोटा छोटा बच्चा यहाँ पे रहता है, यहाँ सब खेलते हैं, वो गिर जाए तो सर ये हादसे का जिम्मेदार कौन रहेगा, आप ही बताइए। अभी तो बड़ी मुश्किल से 1 गाय का सींग उखड़ चुका है, 1 गाय के पूछ ही बुरी तरीके से घायल है, और 1 यहाँ से पूरे कमर तक उसका ये हो चुका है, जिसको JCP से निकाले सर। ये सर कितने दूर तक ये मतलब खुदा हुआ है? ये सर ये तो पूरा वहाँ से मिजदा से पूरा खोदते हुए यहाँ पे आए हैं, और इसको जो काम तत्काल हो जाना चाहिए वो देखो, आप बोलता है कि 2-3 दिन में होगा ये काम बोल के, तो ऐसे में तो सर यहाँ पे जो गाय एनी टाइम जो गाय है एनी टाइम 50-100 गाय रात में यहाँ पे रहते हैं सर, पर ये जो खाली वाले गाय हैं, और ये जो है रात में किसी भी टाइम हादसा हो सकता है जो अभी हुआ पड़ा है। चलो ये तो गाय था सर, अगर कोई बच्चे गिर गया या कोई भी एक्सीडेंट हो गया या कोई भी गाड़ी आते हुए गिर गया, देखो दोनों तरफ ये पुल चल रहा है, नहर चल रहा है, और ये चौक है,
अगर यह कहीं भी गिर गया तो कौन इसका जिम्मेदार है सर? हाँ, यहाँ से जब गोरू जाता है, गोरू आता है यहाँ अगले रोड के किनारे गड्ढे खोद करके छोड़ दिए, उसमें कुछ देखने देखभाल करने वाला नहीं था और यहाँ छोड़ दिए थे। दोपहर को जब गोरू आए घर के लिए तो दो उसमें एक गड्ढे में एक दूसरे गड्ढे में तीन गोरू फंसा था। हम लोग मुश्किल से जान बचा करके निकाल करके उसको जान बचाए। ऐसे लापरवाही है, इसका प्रशासन क्या ये कर रहा है? कैसे निकालेगा को? रस्सी से बांध करके सब आदमी खींच खींच के वहाँ से निकाले करके निकाले। हमारे रस्सी जो है नहीं निकला तो जेसीबी को बुलवाए हम और जेसीबी से फिर इसको निकलाए। पता नहीं किसके, ये जो है अनिल के जेसीपी, जो राछा में अनिल है सबरिया, उसके जेसीपी से खोदा गया है। तो ये जो बाकी और खोदा के जो रेस्क्यू किए गए हैं वो किसका जेसीपी? ये बाकी ये जो रेस्क्यू निकाले हैं ये हमारे गांव का रमेश जो है नीलकंठ है, वो जो है उसका जेसीपी है, उसको किराए से बाहर निकाले, किराए से लेकर के बाहर निकलवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।